हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के लिए रिमोट न्यूज में आपका स्वागत है। सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से वापस लौट चुके हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचल की योजनाओं को लेकर चर्चा की है। सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में 21 जून से तेजी आ जाएगी, क्योंकि केंद्र की तरफ से राज्य में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। प्रदेश में सियासी बदलावों के सवाल पर सीएम जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया पर बदलाव को लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने दावा किया कि आज वो जहां हैं वहीं रहेंगे और साल 2022 में भी वो यहीं रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त शिमला पहुंचे हैं। 6 दिन के शिमला प्रवास में उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। प्रदेश के कोविड हालात पर उन्होंने चर्चा की, साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे कोविड राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से शीर्ष नेताओं के कहने पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 एसोसिएटेड म्यूकोर मेकोसिस यानी CAM के उपचार के लिए एडवाइजरी जारी की है। इन्हें सभी जिलों के अधिकारियों को भेज दिया गया है। साथ ही इससे निपटने के लिए जरूरी उपायों के बारे में भी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी जारी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के कुल 596 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 1155 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। साथ ही पिछले 24 घंटों में प्रदेश भर में कोरोना से कुल 13 लोगों की मौत हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने युवाओं को सेना भर्ती में छूट देने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री सचिन लगवान ने कहा कि युवाओं की सेना की भर्ती परीक्षा में एक वर्ष की विशेष छूट दी जाए। कोरोना से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तो दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया नियमित अंतराल में नहीं हो पाई। परीक्षार्थियों के साथ न्याय हो, इसलिए उन्हें एक अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना की वजह से प्रमोट किए गए 10वीं क्लास के विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इन छात्र छात्राओं को 7 तरह की श्रेणियों के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। इसमें 9वीं क्लास का परिणाम, 10वीं के फर्स्ट और सेकंड टर्म की परीक्षा, प्री बोर्ड, एनुअल पेपर, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के अंकों को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 14 जून तक बंद किया है। बोर्ड द्वारा जुलाई अगस्त 2021 में संचालित करवाई जाने वाली बहुतकनीकी सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म शुल्क सहित प्राप्त करने की तिथियों को 30 जून तक बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कटड़ा स्थित माता वैष्णो देवी के परिसर में भीषण आग लगी है। कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के नजदीक ये आग लगी है। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी है उस जगह से प्राकृतिक गुफा की दूरी तकरीबन 100 मीटर है। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल उद्योगपति जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन की अगले महीने संचालित होने वाली पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान में सवार होंगे। बेजोस ने कहा कि वो उनके भाई और जारी एक नीलामी के विजेता ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड स्पेसशिप में सवार होंगे, जो 20 जुलाई को उड़ान भरने वाला है।